तेवर वही अंदाज नया। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नवाल बेनीवाल ने कहा, ओबीसी आरक्षण को लेकर मैदान में उतरी आरएलपी, बड़े आंदोलन की है तैयारी। जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एओ के घर पर छापा, 25,000 की घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में बढ़ रही महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब आरएलपी भी मैदान में उतर गई है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट के जरिए कहा कि राजस्थान सरकार ने समय रहे ओबीसी आरक्षण में व्याप्त विसंगतियों को दूर नहीं किया तो आरएलपी बड़ा आंदोलन करेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हाल ही में राजधानी जयपुर में ओबीसी वर्ग के युवाओं के आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव से हुई वार्ता के बाद राजस्थान सरकार द्वारा 48 घंटे में सकारात्मक हल निकालने का वादा किया गया था। इस आंदोलन में सत्ता पक्ष के विधायक और नेता भी सम्मिलित थे। बेनीवाल ने कहा कि इतना होने के बाद भी इसके सहायक नगर नियोजन की विज्ञप्ति में संशोधन नहीं हुआ, जो युवाओं के साथ एक धोखा है। सांसद ने कहा कि ओबीसी वर्ग के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान सरकार को 17 अप्रैल 2018 का परिपत्र रद्द करके पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल करने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी नियुक्ति नहीं मिली है। 17 अप्रैल 2018 से पूर्व की व्यवस्था लागू करने 2018 के परिपत्र से ओबीसी वर्ग के युवाओं के नुकसान की भरपाई, छायापत सृजित करके रोस्टर की खामियां को दूर करने की मांग की। सांसद ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने राजस्थान की विधानसभा में मुद्दा भी उठाया है और अगर आगामी लोकसभा सत्र तक कोई हल नहीं निकलेगा तो संसद भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और बड़ा आंदोलन भी करा जाएगा। खबर जोधपुर से है, जहां एसीबी ने स्कूल शिक्षा विभाग के संभाग संयुक्त निदेशक के प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार भाटी को 25,000 की घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भाटी संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांकला और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विक्रम गहलोत का करीबी था। इसी कारण एसीबी भी इन दोनों की भूमिका की जांच कर रहा था। दोनों की मोबाइल की रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी रूप से पड़ताल की जा रही थी। भूमिका सामने आने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। संयुक्त निदेशक एक साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे लेकिन विशेष परमिशन के तौर पर उन्हें एक साल के लिए एक्सटेंशन मिला था। उन्होंने पहले भी सरकार की रोक के बाद द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए थे जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। एसीबी के एडिशनल एसीपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी ने एसीबी की स्पेशल यूनिट को शिकायत करते हुए कहा था कि वे पास में अपना ट्रांसफर करवाना चाहते थे। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारी अनिल पाटी ने बात भी की। भाटी ने संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांकला और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को रुपए देने के नाम पर 50,000 देने के लिए परेशान करने लगा। उसके बाद एसीबी ने एडीजी सवाई सिंह गोदारा के सुपरविजन में शिकायत जांच की। इसके बाद आरोपी को ट्रैप करने की कार्रवाई भी शुरू हुई। आरोपी अनिल भाटी निवासी सारस्वत नगर के परिवादी को गुरुवार दोपहर एमडीएम अस्पताल बुलाया। परिवादी ने यहां 50,000 लेकर पहुंचा। टीम ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही परिवादी ने रिश्वत के रुपए दिए तो स्पेशल टीम ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। परिवादी भगवाना राम एक स्कूल शिक्षक है जो कि गुड़ा मलानी के रहने वाले हैं। ये भाभुओं की ढाणी बाड़मेर में पोस्टेड थे प्रधानाचार्य, वहाँ से इनको जॉइंट डायरेक्टर द्वारा एपीओ कर दिया गया था। उस एपीओ के आदेश के अगेंस्ट ये रिट में गए तो उसको बैक डेट से इनको अन्यत्र ट्रांसफ़र कर दिया गया जॉइंट डायरेक्टर द्वारा। उस अन्यत्र ट्रांसफ़र जो कि उसके घर से दूर था और 59 साल के हैं, इस वजह से उन्होंने वापस रिट दायर की और माननीय न्यायालय में रिट में आदेश पास हुआ कि अभ्यावेदन लेके परिवादी को इसके आसपास की वैकेंट पोस्ट पर कंसीडर किया जाए।
इस पोस्टिंग में पोस्टिंग देने की एवज में जो ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस के प्रशासनिक अधिकारी श्री अनिल भाटी जो आज दलाल के रूप में 50,000 रुपये की इन्होंने डिमांड की थी कि 50,000 रुपये आप दे दीजिए, मेरी बात हो गई विक्रम गहलोत से। विक्रम गहलोत जो कि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में लगे हुए हैं, इनके लिए इन्होंने 50,000 रुपये की मांग की और 50,000 रुपये के बाद आज इन्होंने 25,000 रुपये काम से पहले और 25,000 काम होने के बाद देने के कहते हुए 25,000 रुपये देते हुए रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। खबर सूरतगढ़ से है जहां आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में बढ़ रही महंगाई को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी तहसीलदार रामकुमार मार्फत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि राजस्थान में विद्युत विभाग की तरफ से सरचार्ज के नाम पर उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है। उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। राजस्थान में पंजाब की तरह 200 यूनिट बिजली माफ की जाए, वहीं पंजाब में डीजल पेट्रोल सस्ता है, वहीं राजस्थान में महंगी दरों पर मिल रहा है जिससे आम जन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा होने पर हर चीज महंगी दरों पर मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस महंगाई को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो आम आदमी पार्टी महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। आज जो है आपने ज्ञापन दिया है, किस मांग को लेकर दिया और क्या आपकी मांगे हैं? राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार है यानी कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली राजस्थान में मिल रही है और यही कांग्रेस अन्य राज्यों में बिजली सस्ती करने का वादा करती है और राजस्थान में सबसे महंगी बिजली देकर आम जनता के साथ ठगी कर रही है। और सबसे महंगा पेट्रोल डीजल भी राजस्थान के गंगानगर जिले में मिलता है। हम आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता आज गंगानगर जिले के अंदर सभी जगह ये ज्ञापन देकर इस गहलोत सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हैं। हम जल्दी से इस प्रशासन से इस बात का आग्रह करते हैं कि शीघ्र ही आम जनता को राहत पहुंचाई जाए, अन्यथा आम जन को साथ लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की और गहलोत सरकार की होगी। खबर छिपा बड़ौद से है जहां क्षेत्र में गुरुवार शाम से शुक्रवार सुबह तक हुई तेज बारिश से किसानों की खड़ी हुई व कटी हुई फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है और नमी की वजह से सोयाबीन उगने लग गई है। किसानों के खेतों तक सोयाबीन थ्रेशर मशीन भी नहीं पहुंच पा रही है। किसानों के खेतों में लगातार बह रहा है पानी, जब तक सूखा नहीं होगा तब तक किसानों के खेतों तक नहीं पहुंचेगी थ्रेशिंग मशीन। ऐसी स्थिति में किसान बर्बाद हो गए हैं जो बची हुई फसल को भी थ्रेसिंग नहीं करवा पा रहे हैं। किसानों को पिछले वर्ष का भी नहीं मिल रहा है अभी तक बीमा क्लेम। सरकार की उदासीनता और बीमा कंपनियों की मनमानी के कारण किसानों को नहीं मिल रहा है बीमा का क्लेम। सरकार में मौजूद मंत्रियों के रिश्तेदारों की बीमा कंपनियां होने की वजह से, सरकार के ढीले रवैये की वजह से किसानों को नहीं मिल पा रहा है क्लेम। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है जहां जनपद के बांदा बहराइच राजमार्ग में पड़ने वाला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर लालगंज रोड पर पूरे खेरपल में पूर्वा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मौरम में लदा ट्रक बचरावा की तरफ जा रहा था कि रात में लगभग 3:30 बजे चालक को नींद आ जाना के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर मेन हाईवे के पास अनियंत्रित होकर सामने लगे नीम के पेड़ पर जा टकराया जिसमें मकान की छत क्षतिग्रस्त हो गई और मकान के अंदर सो रहे लोग बाल बाल बचे। तेज आवाज सुनकर मकान में सो रहे लोग जैसे ही बाहर निकले इस रहस्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। फिलहाल घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से है जहां बुधवार को बरसात तेज हवा के कारण खराब हुई धान की फसल का सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले बड़ौदा क्षेत्र के किसानों ने गुरुवार को बड़ौदा तहसील कार्यालय में घेराव और प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक को ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मुंडला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बरसात और तेज हवा के कारण धान की फसल लाड़ी गिरकर जमीन से चिपक गई है जिसके कारण धान की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है।
पहले ही खरीफ की फसल सोयाबीन उड़द तिल्ली नष्ट हो चुकी है। ऐसे में धान की फसल के नष्ट हो जाने के कारण पहले से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान है। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही फसल का सर्वेक्षण करवा कर मुआवजे का प्रबंध करें। पांच अक्टूबर सायं को श्योपुर क्षेत्र में तेज बरसात व हवा के कारण जो किसानों की खरीफ की मुख्य फसल है धान, वो जमीन पर आड़ी गिरकर चिपक चुकी है, जिस कारण फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। पहले खरीफ की फसल सोयाबीन तिल्ली उड़द किसानों की नष्ट हो चुकी है। ऐसे में धान की फसल की नष्ट हो जाने से क्षेत्र का किसान बर्बादी के कगार पर है। आज हमने बड़ौदा क्षेत्र के किसानों के साथ तहसील का घेराव करके प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर मांग की है किसानों की नष्ट हुई फसलों का शीघ्र सर्वे करवाया जाए, वो उनको मुआवजा दिया जाए, जिन किसानों का फसल बीमा है उनको बीमा की राशि दिलवाई जाए, अन्यथा की स्थिति में क्षेत्र का किसान उग्र प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम हड़ताल करने के लिए किसान। खबर मध्य प्रदेश के बड़ौदा थाना से है, जहां क्षेत्र के पंडोला गांव में बड़े तालाब में मछली पकड़ रहे पंडोला गांव निवासी सीताराम आदिवासी पुत्र रामजी लाल की 6 अक्टूबर को दिन 12 बजे तालाब में गिरने से डूबने से मौत हो गई है। वही सूचना पर मौके पर पहुंची बड़ौदा थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मीडिया से चर्चा से एसआई सुरेश सिंह ने सिरकवार से बताया कि मृतक व्यक्ति नशे की हालत में था और वह मछली पकड़ने की एवज में तालाब में कूद गया और मछली के जाल में फंसकर उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची चुकी, परंतु टीम के आने से पहले ही गांव वालों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया था। अच्छा, कैसे हुई ये घटना? ये मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ रहे थे तालाब में? मैंने पिया था, मैंने फिर भी उतर गया ये तालाब में। पंडोला का सीताराम आदिवासी जो शराब पीने का अक्सर आदि था जी, और जो तालाब में पीछे मछली पकड़ने के लिए कूद गया जी, वो शराब पीने के नशे की हालत में ये जो है तालाब से तैर के निकल नहीं पाया, उसमें डूब गया। डूबते समय हमारे स्वीपर ने देखा भी था, इसको हाथ ऊपर कर रहा था ये, जब तक हमारा आरक्षक दौड़ के गया तब तक ये पानी नीचे चला गया था गहराई में, तो आरक्षक लौट आया, फिर गांव वालों की मदद से इसको जो है पानी से निकाला गया है, फिर हम सब बांध से लेकर के इसको जो है हॉस्पिटल ले आए हैं। हालांकि आरटीएफ की वो एसडीआरएफ वो टीम भी आ गई थी, उससे पहले हमने अपना काम निकाल लिया। खबर देसूरी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर स्थित डाक बंगले में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत की अध्यक्षता में क्षेत्र का सबसे बड़ा पेयजल और सिंचाई का मुख्य स्रोत शेली बांध के जल वितरण को लेकर शेली बांध के कमांड क्षेत्र में किसान और सिंचाई विभाग जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजन हुई। बैठक में हर वर्ष की भांति इस बार भी 9 फीट तक पानी पेयजल के लिए आरक्षित रहेगा। बांध के गज 21 फीट का है, जिसमें किसानों का 3 पान दी जाएगी और विशेष पानी 9 फीट तक पेयजल के लिए रिजर्व रखा जाएगा। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए पहली पान 26 अक्टूबर को दी जाएगी। खबर जयपुर से है, जहां माइंड रूट फाउंडेशन संस्थान द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में 9 अक्टूबर को सीकर में रन फॉर मेंटल हेल्थ का आयोजन किया जाएगा। माइंड रूट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डी एस पूनिया ने बताया कि हर साल 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने और इनसे जुड़े स्टिग्मा को दूर करने में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। इस क्रम में संस्था द्वारा इस बार रन फॉर मेंटल हेल्थ का आयोजन सीकर जिले में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी हिस्सों के लोग भाग ले रहे हैं। डॉक्टर पूनिया ने बताया कि पिछले 2 साल में हमने महामारी में अपनों को खोना, अकेलापन, अनिश्चितता, घबराहट और भी बहुत कुछ सहा है, जिसके चलते मानसिक समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में रन फॉर मेंटल हेल्थ का आयोजन करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के बारे जागरूकता आए और इससे जुड़ा स्टिग्मा दूर हो, ताकि मानसिक बीमारियों से ग्रसित लोग बिना किसी झिझक के वे कैसे ही समय पर उचित उपचार लें, जैसे कि बाकी बीमारियों के लिए लेते हैं।
इस अवसर पर डॉक्टर डी एस पूनिया, माइंड रूट फाउंडेशन की सेक्रेटरी दीप्ति और वाइस चेयरमैन यशवंत जी रन फॉर मेंटल हेल्थ के पोस्टर का विमोचन किया। जी, इस बार हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे जो हर साल 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं, तो इस बार हम 9 अक्टूबर को सीकर में रन फॉर मेंटल हेल्थ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमारे पास लगभग 1500 के आसपास रजिस्ट्रेशन आ गए हैं। और रन फॉर मेंटल हेल्थ का आयोजन हम इस हिसाब से कर रहे हैं कि किसी ना किसी वे में इस पूरे प्रोग्राम को इस हिसाब से प्लान किया है कि वहाँ आने वाला जो भी पर्सन है वो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जान के घर पहुँचे और साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी हो। संदेश क्या रहेगा? और हमारे इसमें सर हमारा एक ही संदेश है जो हम माइंड रूट संस्था पिछले कई सालों से काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि जो मानसिक बीमारियाँ हैं उनके बारे में लोग जो समझ है वो थोड़ी बेहतर हो जाए, यानी कि जागरूकता वाले पार्ट की उन्हें समझ में आ जाए कि मानसिक बीमारियों के ये लक्षण हैं और अगर ऐसी लक्षण हैं तो हमें उनके लिए क्या करना है। दूसरा, जो मेंटल वर्ड या मानसिक बीमारियों से जुड़ा हुआ जो स्टिग्मा और डर है वो दूर करना हमारा दूसरा प्रयास है। और ये दोनों चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हम लोगों के बीच जाएंगे, मानसिक बीमारियों के बारे में बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तो स्टिग्मा अपने आप दूर हो जाएगा। और इस बार के रन फॉर मेंटल हेल्थ में हमारे लिए एक विशेष प्रोग्राम और भी रखा है कि हमारी माइंड रूट संस्था ने बच्चों की मानसिक समस्याओं को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका विमोचन भी वहीं जिला कलेक्टर साहब 9 अक्टूबर को शुरू करेंगे और उसके बाद हम पैन इंडिया उसको रिलीज करेंगे। मैं डॉक्टर डी एस पूनिया और मैं फाउंडर हूँ माइंड रूट संस्था की तरफ से। हमारे साथ है हमारे सेक्रेटरी मेहता है दीप्ति मैम और सर हैं सुमेर सिंह जी और आशीष। इसमें मुख्य मकसद जो है मेंटल हेल्थ के बारे में एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम है जी। इसमें अब तक 1500 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कल तक भी रजिस्ट्रेशन कम से कम 300 से 400 और आने की उम्मीद है। सीकर में किया जा रहा है। फेस्ट जब किया था हमने तब यहाँ जयपुर में हुआ था, तो बेसिकली 10 तारीख को होता है लेकिन इस बार 9 तारीख को वहाँ सीकर में किया जा रहा है। संडे है 9 का, तो वहाँ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता चले कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, उसको कैसे अपन पहचान सकते हैं, ये हमारा एक जनरल सूचना है। मेरा नाम सुमेर सिंह चौधरी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही माइंड रूट फाउंडेशन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप है खाने के शौकीन तो जयपुर से आपके लिए अच्छी खबर है। राजधानी जयपुर के एमआई रोड स्थित होटल गोल्डन ट्यूलिप में 156 भोग फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में फूड शौकीन लोगों के लिए 156 तरह के अलग अलग व्यंजन की वैरायटी उपलब्ध है। होटल के जनरल मैनेजर विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि खाने के शौकीन लोगों के लिए हमने उनके बजट को ध्यान रखते हुए 156 भोग फूड फेस्टिवल का आयोजन किया है। वहीं होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ पवन सेनी ने बताया कि 156 भोग फूड फेस्टिवल में वेलकम ड्रिंक, स्टार्टर से लेकर डेजर्ट, भारतीय व्यंजनों के अलावा मैक्सिकन, लेबनीज, ओरिएंटल जैसे कई और भी फूड शामिल है। 56 से ज्यादा अलग अलग तरह की मिठाइयां भी खिलाई जा रही है। होटल गोल्डन ट्यूलिप 156 भोग का आयोजन किया गया है, तो 156 में क्या क्या वैरायटी है और कब तक ये आपका फेस्टिवल चलेगा और इसमें सबसे खास क्या है रहेगा? सर, 156 भोग फूड फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन होटल गोल्डन ट्यूलिप जयपुर में किया जा रहा है। इसके अंदर वेलकम ड्रिंक से स्टार्ट है और डेजर्ट तक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे की तरफ इसमें वैरायटीज रखी गई हैं और इसके अंदर इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, थाई, मंगोलियन सब डिशेस का मिक्सिंग है। तो वेलकम ड्रिंक से स्टार्ट होकर के और डेजर्ट तक ये है। सबसे स्पेशल चीज़ क्या रहेगी इसके अंदर? सर, जैसे लेबनान बार है, इसके अंदर मैक्सिकन काउंटर्स हैं, स्वीट्स हैं, स्वीट्स के अंदर हमने फ्यूज़न किया है, तो इसके अंदर आपको फ्यूज़न भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर बहुत प्रकार की वैरायटीज़ की जो चटनी है वो बनाई गई हैं,
जैसे बीटरूट की चटनी है, जैसे आपने देखा बहुत होममेड पिकल्स बनाए गए हैं। तो इसके अंदर पूरा नेशनल से लेकर के और डोमेस्टिक तक हर वेराइटीज रखी गई इस मेन्यू के अंदर। इसमें राजस्थानी खाने का भी हाँ, राजस्थानी के अंदर दाल बाटी चूरमा है, टरपोले हैं, लहसुन की चटनी है, और भी प्रकार की राजस्थानी टच दिया गया है, होममेड पिकल्स हैं, ये सब राजस्थानी स्पेशलिटी के सब्जी। ये 6 से लेकर के और 9 तक है अक्टूबर के। आपका नाम बोले? पवन शेफ, गोल्डन ट्यूलिप जयपुर। सर, होटल गोल्डन ट्यूलिप में आज 156 भोग का आयोजन किया गया, तो उसमें क्या क्या वेराइटी है और राजस्थानी फूड को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें राजस्थानी फूड की क्या क्या वेराइटीज है और कितने दिन तक आपका ये फेस्टिवल चलेगा? पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 156 भोग जयपुर सिटी में पहली बार हो रहा है। अब तक आपने 56 भोग सुना है, जयपुर सिटी में पहली बार 156 भोग हो रहा है, जिसमें हमने 156 तरह की वैराइटीज़ लगाई हैं। वो हर चीज़ को इंक्लूड करता है, चाहे आपका राजस्थानी हो, मैक्सिकन हो, इंडियन हो, इटालियन हो, हमने कोशिश करी कि सारी वैराइटीज़ उसके अंदर आ जाए। इसमें दाल बाटी चूरमा से लेकर इंडियन जो फैसिलिटी इंडियन जो फेमस चीज़ है कि दाल बाटी चूरमा है, वो भी हमने यहाँ पर लगाई है। राजस्थान की फेमस डिश है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे होटल का जो USP है वो सिर्फ खाना है। लोग हमारे होटल में बार बार रिपीट आना चाहते हैं खाने की वजह से। इसके लिए मैं अपने शेफ़ को, अपनी टीम को और अपनी पूरी F&B टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे इतना सब कुछ अरेंज किया। और आप देख रहे हैं कि अगर आप कैमरा अगर घुमा के देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह का रिस्पांस रेस्टोरेंट में आ रहा है। इसी तरह का रिस्पांस हम आगे सब एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे स्पेशल वेराइटी क्या है इस 156 भोग में? यहाँ पर घेवर लगाए हुए हैं हमने, आप देखिएगा डेजर्ट में घेवर्स लगाए हुए हैं जो कि फेमस है, और राजस्थान में घेवर जयपुर में बहुत अच्छा फेमस डिश मानी जाती है। तो आप देखिए हमने यहाँ पर घेवर लगाए हुए हैं, वो यहाँ का फेमस डिश है। कितने दिन तक चलेगा आपका ये फेस्टिवल? ये आज से स्टार्ट हो रहा है और 9 तारीख तक चलेगा। संडे शाम को 10:30-11 बजे तक ऑन है और ये बुफे में डिनर पे ही रहेगा। और इसका टाइमिंग क्या रखा आपने? शाम को 7 बजे से ऑनवर्ड, से 7:30 से ऑनवर्ड रात को 11 बजे तक ओपन रहे। आपका नाम और डेट? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं एरिया जनरल मैनेजर हूँ गोल्डन ट्यूलिप होटल्स जयपुर। थैंक यू। सर, आज यहाँ पर 156 भोग का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको कैसे पता चला इस बात? हमें मैनेजमेंट के थ्रू पता लगा, होटल के मैनेजमेंट के थ्रू। आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ कुछ खाया, तो किस तरह का थोड़ा रिव्यू लेना चाहेंगे आप? रिव्यू हमेशा यहाँ बढ़िया रहते हैं और हम तो आते रहते हैं, यहाँ कुछ भी इवेंट होता है तो। आज कुछ खास? खास अभी खाएंगे, अभी तो थोड़ा टाइम हुआ है आके बैठे ही है, बाकी हमेशा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। एक्साइटमेंट है आपके? अभी तक अपन सुनते थे 56 भोग खाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ अभी मैंने देखा है काफ़ी डिफरेंट है। 56 भोग में दिमाग में आता है कि वो अपने ट्रेडिशनल फूड होगा, लेकिन यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। फूड My food, yes, it's fantastic. How was the food? I know the cook is doing his best job, and I found some really exceptional cheese, and your Lebanese things were very good, very spicy, like I like them. Thank you very much. I will have the opportunity these next days to go through the food, and then maybe I can give you a much better review of this. Thank you. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए DPK News. नमस्कार. राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर।